टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज है हमारा गोवा में डे टू और आज हम क्या क्या करने वाले हैं ये इस व्लॉग में मैं पूरा कैप्चर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम खाना खाने जाने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ जो रिजॉर्ट के जस्ट सामने बीच है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट उससे पहले हमें जाना है रिसेप्शन पर और पे करना है जो भी इतना जितना हुआ। हमने रात को नहीं पे करा क्योंकि हम रात को लेट पहुँचे थे, तो अभी चलते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर आगे जो भी करेंगे वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो गाइज, ये है मेरा आज का आउटफिट, अभी मैं इसको चेंज करूंगी बट फिलहाल मैंने यही पहना है। ये है यहाँ का मार्केट, यहाँ पर रिजॉर्ट के जस्ट सामने। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर जा रहे हैं स्कूटी या फिर बाइक लेने, देखते हैं क्या मिलता है। और वैसे तो स्कूटी ही लेंगे, तो ये रिजॉर्ट के जस्ट अपोजिट साइड है, यहाँ पर रेंटल जो है बाइक स्कूटी इनके चार्जेस वगैरह पूछते हैं। भैया हेलो बोल दो एक बार। हेलो हेलो भैजी भैजी, आ जाओ कभी भी आओ, भाई है तुम्हारा इधर। हाँ, भैया इधर, तो भैया के रेस्टोरेंट में आ जाना गाइस। और अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो वो खा सकते हो, नॉर्मल चेयर टेबल लगे हैं यहाँ पर, ये इनका कैफे है। तो अगर आप इवनिंग में या मॉर्निंग में आते हो चिल करने तो आप यहाँ पर खा सकते हो। और अब आप व्यू देख सकते हो, वाओ, OMG कितना सुंदर लग रहा है गाइस। रिजॉर्ट के जस्ट सामने ही है, तो अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं। आप देख सकते हो कितना गर्मी है उधर। सो गाइस, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम अभी बीच में वहाँ पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। वैसे सुबह का भी 10 ही बज रहा होगा, बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं शाम को जाऊँगी वहाँ पर। पर अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी यहाँ पर बैठ कर जो है सामने का व्यू इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल टैनिंग होने वाली है, तो अभी नहीं जाना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट से बाहर आते ही आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे रिजॉर्ट दिखने वाले हैं। और हर रिजॉर्ट के बाहर ये लगा है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं, बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बट मैं इसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर बिस्तर लगे, अगर आप यहाँ पर बिस्तर में लेटना चाहते हो तो। और फाइनली ये रहा हमारा बीच का व्यू। और यहाँ पर कयाकिंग भी होती है, कहीं कहीं पर पर्सन का 100 रुपए, कहीं कहीं पर 200-300, मतलब बहुत सस्ता है। एंड गाइस, मुझे अभी तक जो है खुद पर बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं जो है गोवा का व्यू और व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लिटरली बहुत मजा आ रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे पहाड़ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर ये बीच देखना अच्छा लग रहा है, मतलब पहाड़ की अपनी मतलब ठंडी ठंडी हवाएं और अपने मजे हैं, और बीच में आकर अपना मतलब एक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप सामने पहाड़ भी देख सकते हो। सो गाइस, फाइनली हम हैं पेलोलम बीच में। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और अभी हम चलते हैं आगे, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी चलते हैं, भाग के बहुत मजा आने वाला है। 1 2 3 गो। हो चुके हैं और हम दोबारा बीच में जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी फोटोज और रील्स बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, तो यस वो आपको इंस्टाग्राम पर दिखेगी। सो गाइज, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बोट भी चल रही है, और इनका जो है अगर आप पर्सनली ये बुक कराना चाहते हैं तो उसके चार्जेस है 4,000 रुपये। अगोंडा बीच और बटरफ्लाई बीच, ये पूरा आपको ना आप बाई रूट भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो बोट से। तो अभी वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मुझे फोटोज क्लिक करानी है तो हम यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी इधर, पूरा यहाँ पर लेकर चलूंगी मैं आपको।
मजा आ रहा है। सो गाइज अभी भी हम पैलोलिम बीच में है, सेम बीच में, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी जाते हैं और फिर उसके बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं बोटिंग करूँ। यहाँ पर देखो सब बोटिंग कर रहे हैं वैसे, और ये ब्लैक ब्लैक बड़े बड़े पत्थर और सामने का व्यू। ये व्यू चेक करो ऊपर से, मैं आपको ये व्यू दिखाने के लिए कितने ऊपर आई हूँ। यहाँ पर ऊपर मैं आई हूँ, और यहाँ से एक बार आप व्यू चेक करिए। वाव, ये व्यू चेक करो यार, यहाँ पर जहाँ नजर मार रहे हैं वहाँ इतने सुंदर सुंदर व्यू दिख रहे हैं। मतलब जिधर नजर मारो वहाँ आपको इतने प्यारे प्यारे व्यू दिखने वाले हैं। वाव यार, मतलब कितने मजे हैं इनके, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती, अगर आप यहाँ पर आओगे ना आप वो चीज फील कर सकते हो। और ये जो लोकेशन है ये भी पैलोलिम बीच के जस्ट अपोजिट साइड है, मतलब आप 10 कदम चलोगे तो आपको ये वाली लोकेशन दिख जाएगी। कितना सुंदर लग रहा है यार, वाव। अभी मैं जाने वाली हूँ इन बड़े बड़े काले पत्थरों के ऊपर, और यहाँ से मुझे रास्ता देखना है, बस मैं गिर ना जाऊं यार, नीचे कैसे जाना पड़ेगा। आओ, और इन पत्थरों में भी रेत आई है, मतलब पानी यहाँ तक भी आता है। सो गाइज अब और लोग को देखकर मेरे मन में भी हो रहा है कि मुझे भी कयाकिंग करनी है। तो इसका जो प्राइस है सबका अलग अलग है, फोन पता नहीं कैसे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, बट मैं ये कर रही हूँ जितना हो सके मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे वो है। तुम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर आने का सेम प्लेस। भी नहीं करा 15 मिनट करके वापस, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं लाइफ में इसे दोबारा कभी नहीं करने वाली हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। यहाँ पर नारियल के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत सुंदर है, बहुत मजा आया, बट कयाकिंग करके मुझे बहुत डर लगा गाइस। क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? सो गाइस अभी बज चुके हैं 4 और अभी तक हमने जो है लंच नहीं करा। अभी हम जा रहे हैं लंच करने, कोई आसपास देखते हैं अच्छा सा कैफे या रेस्टोरेंट। बीच में जाने में इतना ज्यादा टैन हो गया और पूरे कपड़ों में रेत रेत। मैं सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, 3 बार शूट के लिए गए, 3 बार व्लॉग शूट करने के लिए। सीरियसली जितना केदारनाथ से आते हुए हुआ था वैसे ही पूरा हो चुका है। सनस्क्रीन भी लगाया था बट फिर भी बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने, और आपको इधर ना अगर आप कपड़े वपड़े लेकर नहीं आते हो तो यहाँ पर आपको कपड़े वपड़े भी मिल जाते हैं। और ये रहा यहाँ पर साउथ इंडियन फूड का एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, बट अभी हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कुछ अच्छा मिलता है तो। और ये यहाँ का लोकल मार्केट है, अगर आप कपड़े लेकर नहीं आते हो तो इधर से ले सकते हो। जस्ट थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक कैफे रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो हम यहाँ जा रहे हैं। देखते हैं, बाहर से तो लोकेशन अच्छी लग रही है, अभी देखते हैं अंदर जाकर। जस्ट 10-15 कदम पर जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है गाइस। सो गाइस यहाँ पर आ चुका है हमारा लंच, हमने ऑर्डर करा था नॉर्मल नूडल्स एंड ये फ्राइड राइस और चिकन। अभी खाते हैं फटाफट से क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है गाइस, सीरियसली बहुत तेज भूख लग रही है, तो खाते हैं इसे फटाफट अभी। 5 minutes later. सो गाइस फाइनली हमारा लंच हो चुका है, और यहाँ का खाना जो है वो बहुत 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 टेस्टी था। तो अगर आप इधर आते हैं साउथ गोवा में तो यहाँ पर ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। तो यस, सो गाइस अभी हो चुकी है गोवा में इवनिंग, और अभी इवनिंग में दिखते हैं कैसे दिखता है बीच का व्यू और क्या क्या हो रहा है, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ।
और आज हम एक ही बीच में रहे हैं क्योंकि बहुत धूप हो गई थी। तो जब भी आप बीच वाले एरिया में जाते हो तो ट्राई करना कि हमेशा मॉर्निंग में निकलो, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है और ऊपर से दिन में इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप ट्राई करो तो आप मॉर्निंग में निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। तो हम कल बहुत जल्दी पूरे सारे साउथ गोवा के जो बीच हैं वो कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। सो गाइस, ये है इवनिंग व्यू और सनसेट जो है वो होने वाला है। और अभी देखो इवनिंग में कितना ज़्यादा भीड़ लगा है, दिन में कुछ भी भीड़ नहीं था उस हिसाब से, अभी देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। सारी भीड़ जो है अभी आई है सनसेट के टाइम पर। ये देखो चारों तरफ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मॉर्निंग में भी उतनी नहीं थी, दिन में तो थी नहीं खैर, बट अभी देखो कितनी भीड़ है, भयंकर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और मॉर्निंग और इवनिंग में जो लहरें हैं ना, वेव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज आती हैं और बहुत दूर तक आती है। सो गाइस, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको बहुत शांत वाला एरिया पसंद होता है और दूसरा जिनको पार्टी वाली एरिया बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पार्टी वार्टी करना, चिल करना। और दूसरे जो लोग हैं उन्हें चिल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, मतलब शांत वाले इलाके में। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा शांति चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है साउथ गोवा में आओ, क्योंकि साउथ गोवा में बहुत शांति है और यहाँ पर जो है जितने भी बीच हैं उनमें भीड़ भी कम है और पूरा नीट एंड क्लीन है साउथ गोवा में। और सबसे ज़्यादा बीच है वो भी साउथ गोवा में है। बट अगर आपको पार्टी वाली लाइफ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, नाइट लाइफ, तो आप चूज़ करना हमेशा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा नहीं, नॉर्थ गोवा। वहाँ पर आपको पार्टी वार्टी पब वब बहुत ईजिली मिल जाएगा, बट साउथ गोवा में आपको काफ़ी शांति मिलने वाली है, यू नो, रिलैक्स, जस्ट चिल कर सकते हो आप। सो गाइस, अभी मैंने ऑर्डर कराया है कोल्ड कॉफ़ी और मैं इसके बाद कोल्ड कॉफ़ी पीने वाली हूँ। यस, बहुत मज़ा आ रहा है इवनिंग के टाइम पर, लिटरली इवनिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, बीच को देखने का भी और इन्जॉय करने का भी। और गाने भी बज रहे हैं पीछे, इसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सारी लाइट्स ऑन होगी फिर, तो मतलब पूरा लाइट में कैसे दिखेगा बीच, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी मैं सीधा आपको मिलूँगी रात को, जब पूरा रात हो जाएगा ना, जब लाइट जगना शुरू हो जाएगी तब मैं आपसे मिलूँगी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी आप देख सकते हैं बीच के जो सामने कैफे रिजॉर्ट टाइप के थे, सब में लाइट ओपन हो चुकी है आप देख सकते हैं। और बाहर जो उन्होंने टेबल चेयर लगाया था उसमें हर टेबल में कैंडल जल चुकी है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। तो हर कैफे के अंदर यहाँ पर लाइव म्यूजिक हो रहा है और बाहर पर लोग खाना खा रहे हैं, मतलब डिनर कर रहे हैं।